नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर मीडिया। दोस्तों, आपको बता दें कि रिया चक्रवर्ती की एक बार फिर से परेशानी सुशांत सिंह राजपूत केस में बढ़ने वाली है। जी हां, आपको बता दें कि रिया चक्रवर्ती, जिनको एनसीबी ने जमानत पर बाहर भेजा है, लेकिन एनसीबी रिया चक्रवर्ती पर लगातार नजरें गड़ाए हुए है। जी हां, आपको बता दें कि जो रिया चक्रवर्ती है और उसका भाई जो है सौविक चक्रवर्ती, वो लगातार सबूतों को मिटाने की कोशिश भी बाहर आकर के कर सकते हैं और इस वजह से एनसीबी इन पर अपनी नजरें गड़ाए हुए है। तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक बार फिर से इन लोगों को जेल हो सकती है और साथ ही कैसे एनसीबी सीबीआई लगातार इन पर अपनी नजरें गड़ाए हुए है। दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत को इस दुनिया से गए हुए अब 8 महीना हो चुका है, लेकिन बावजूद इसके अभी तक नहीं पता चल पाया कि आखिर सुशांत को किसने मारा और सुशांत के साथ क्या हुआ था। आखिर सुशांत सिंह राजपूत को क्या रिया चक्रवर्ती ने ही जो कुछ भी हुआ उनके साथ ही सब कुछ किया था? बता दें कि जो सुशांत सिंह राजपूत के फैंस थे, उनका तो साफ साफ यही कहना था कि जो कुछ भी हुआ सुशांत के साथ, वो रिया चक्रवर्ती ने ही किया है अपने भाई के साथ मिलकर। लेकिन आपको बता दें कि अभी तक इसकी पूरी तरह से पुष्टि नहीं हो पाई है। हालांकि बावजूद इसके, रिया के खिलाफ ऐसा कोई सबूत नहीं मिला कि जिससे पता चल सके कि सुशांत के साथ रिया ने क्या किया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इस केस का एक पहलू ये निकल कर सामने आया, जिसमें देखने को मिला कि सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स लेते थे। हालांकि ये भी नहीं पता चल पाया कि सुशांत सिंह राजपूत खुद ड्रग्स लेते थे या फिर रिया चक्रवर्ती उनको जानबूझ करके किसी चीज़ में ड्रग्स मिलाकर देती थी। और एनसीबी सीबीआई लगातार इस चीज़ की छानबीन कर रहे हैं। लेकिन बता दें कि रिया चक्रवर्ती को इस केस में ड्रग्स के मामले में इस वजह से अरेस्ट किया गया था क्योंकि रिया चक्रवर्ती पर भी ये आरोप लगे थे कि वो ड्रग्स लेती थी और जांच में इस तरह के सबूत भी मिले थे। अब दोस्तों, रिया चक्रवर्ती जो कि एनसीबी से जमानत लेकर के बाहर आई हुई हैं अपने भाई के साथ, तो बहुत जल्द इनकी गिरफ्तारी एक बार फिर से हो सकती है। जी हां, आपको बता दें कि खबरें आई हैं कि रिया चक्रवर्ती जैसे ही जेल से बाहर आई हैं, वो ना जाने कहां कहां पर जा रही हैं और साथ ही बहुत सारे लोगों से मिल भी रही हैं और इसी वजह से एनसीबी लगातार उन पर नजरें गड़ाए हुए है। और रिया चक्रवर्ती कभी भी किसी भी सबूत को मिटाने की कोशिश करेगी तो एनसीबी जरूर उनको गिरफ्तार कर लेगी। और वैसे भी एनसीबी ने जब रिया चक्रवर्ती को जमानत दी थी तो काफी सारी शर्तों के साथ रिया चक्रवर्ती को जमानत दी गई थी। इसमें कुछ शर्तें ऐसी थी जिसमें पहली शर्त यह थी कि रिया चक्रवर्ती मुंबई छोड़ करके कहीं भी जा नहीं सकती है और दूसरी शर्त ये थी कि रिया चक्रवर्ती को एनसीबी के दफ्तर में जाकर के हाजिरी लगाना होगा। ठीक ऐसी उनके भाई के साथ भी रखी गई थी, जिसकी वजह से रिया चक्रवर्ती और सौविक चक्रवर्ती दोनों की परेशानी बढ़ी हुई है। अब जहां रिया चक्रवर्ती को ये लग रहा है कि वो जमानत पर आकर के पूरी तरह से आजाद हो चुकी हैं, तो वहीं सुशांत सिंह राजपूत के जो फैंस हैं, वो आए दिन रिया चक्रवर्ती पर सवाल उठाते हैं और वो कहते हैं कि रिया चक्रवर्ती ने ही सब कुछ किया है, जो कुछ भी हुआ है वो सुशांत के साथ वो रिया चक्रवर्ती ने ही किया है। हालांकि सीबीआई को अभी तक इस तरह का कोई सबूत नहीं मिला है और सीबीआई इस केस में लगातार निगरानी किए हुए है। सीबीआई को 1 महीना से ज़्यादा हो चुका है इस केस में अपडेट दिए हुए, जिसमें सीबीआई ने लास्ट टाइम ये बताया था कि वो सुशांत के केस में पूरी तरह से छानबीन कर रही है और वो हर चीज़ पे नजरें गड़ाए हुए है। जैसे ही उसको कोई सबूत मिलेगा तो वो जरूर फैंस के सामने पेश करेगी और बताएगी कि आखिर सुशांत के साथ क्या हुआ था। वहीं एनसीबी ने अभी हाल ही में एक बड़ा बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो सुशांत सिंह राजपूत केस में किसी भी तरह से कोई चार्जशीट दायर नहीं करने वाली है, जिससे कि सुशांत के फैंस को एक बड़ा झटका भी लगा था। तो यही था इस वीडियो में। वीडियो को लाइक करना, साथ ही आप हमें कमेंट करके बताना कि क्या रिया चक्रवर्ती एक बार फिर से जेल जाने वाली है। साथ ही इस वीडियो को लाइक करके शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।